अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवाल और आज का टॉपिक है हमारा है हॉरर डोमर मॉडल। ये ग्रोथ मॉडल है और डेवलपमेंट की बुक में आपको डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है। ज्यादातर इसे माइकल पी टोडेरो की बुक से ही पढ़ा जाता है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में, ये जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट मैं कोशिश यही करूंगी कि अपना जो भी लेक्चर हो वो इस पे प्रिपेयर करके आपको पढ़ाया जाए और उम्मीद करूंगी कि इंशाल्लाह वो आपको सारा समझ आएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हॉरर डोमर मॉडल है क्या और किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हल किया जाता है। इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में। हॉरर डोमर मॉडल दरअसल इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को देखने के लिए, और इसमें हमारे पास दो चीजें जो होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक सेविंग है, दूसरा है आउटपुट। ठीक है, तो इसको एक्चुअली डेवलप कैसे किया गया है, ये मॉडल डेवलप किया गया है R.F. हेरोड ने 1939 में और E. डोमर ने 1949, इसलिए इसका नाम हॉरर डोमर मॉडल रखा गया है। हॉरर डोमर मॉडल प्रीकर्सर है एक्सोजनस ग्रोथ मॉडल का और इसको पहले डेवलप किया गया था बिजनेस साइकिल को एलेबोरेट करने के लिए, लेकिन बाद में इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर स्टूडेंट्स, मॉडल की इम्प्लीकेशन थी और ये इम्प्लीकेशन किस कंट्रीज में होती है, ये लेस इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे होती है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे इसकी इम्प्लीकेशन की गई है, जहां पे लेबर इंटेंसिव कंट्रीज होती हैं, कैपिटल उनके पास होता नहीं, वो स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा होता है, तो वहां पे ये मॉडल को इम्प्लीकेट किया जाता है। स्टूडेंट, आप कोई भी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उसकी इंट्रोडक्शन दिया करें, उसके बाद फिर आपने उसके जो इम्पोर्टेंट कोई अजम्पशंस हैं अजम्पशंस देनी है, फिर इस तरह से आप ग्रेजुअली आगे आगे चलते रहें। और ये जरूरी नहीं है कि आपने बस पेपर को पकड़ा और उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो आप जिस तरह से पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इस तरह जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो लिखनी है, देन आपने उसके अजम्पशंस लिखनी है। जब आपने ये अपने पेपर में हॉरर डोमर मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो अजम्पशंस में पहले अजम्पशंस ये है कि इकोनॉमी ऑपरेट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट जिसे हम कहेंगे और सेविंग दो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। फिर तीसरी बात यह है कि हम मॉडल में अज्यूम करते हैं कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। फिर उसके बाद है फोर्थ, इसके अजम्पशन ये है कि एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव या APS वो सेम होगा मार्जिनल के। ठीक है, यानी APS एज सेम टू द MPS के। फिर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे अजम्पशन लिखी जाती है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इज नेट, यानी हमने यहाँ पे जो कंसीडर करना है पूरी कंट्री में हमें नेट इन्वेस्टमेंट को करना है कंसीडर। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट बच जाती है। तो फिर लास्ट अजम्पशन इसकी ये है कि नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। हमने पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर इम्प्लीकेशन बताई और अब हम अजम्पशंस बता रहे हैं हॉरर डोमर मॉडल की। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने मेन डिटरमिनेंट्स हैं उनके बारे में अपने ख्याल रखना है कि जब आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करने में आपको इजी होगा। सबसे पहले है कैपिटल आउट रेशियो, जिसकी बात की जाती है हॉरर डोमर मॉडल में। दूसरी बात की जाती है नेट सेविंग रेशियो की। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं क्या? कैपिटल आउटपुट रेशियो होती है, इट शो द यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट ओवर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। यानी आपने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है या आउटपुट लेना है किसी चीज का, उसके लिए आपको कितने यूनिट कैपिटल चाहिए एक खास वक्त में, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कुछ चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने यूनिट कैपिटल के चाहिए, ये हमारा हो गया है कैपिटल आउटपुट रेशियो। दूसरी बात है नेट सेविंग रेशियो। अब नेट सेविंग रेशियो क्या है? सेविंग एक्सप्रेस एज द पोर्शन ऑफ डिस्पोजिबल इनकम ओवर द सम पीरियड ऑफ टाइम। यानी सेविंग क्या होती है? सेविंग जो डिस्पोजिबल इनकम होती है एक इंसान की, उसके अंदर से जो बच जाता है वो हमारी सेविंग होती है। तो यहाँ पे हमने नेट सेविंग को यहाँ पे लेना है। फिर स्टूडेंट्स, मॉडल अब ग्रोथ मॉडल है, अब इसको हमें डेवलप करना है, इसको अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में हमने किस तरह से लिखना है,
ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली क्या है, नेट सेविंग है, सही है। ये हमारे पास नेट सेविंग है। नेट सेविंग इज अ सम प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ एस ऑफ नेशनल इनकम, दिस इज द नेशनल इनकम। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है नेशनल इनकम का, ये हमारे पास नेट सेविंग है और ये हमारी इक्वेशन नंबर वन होगी। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है आई, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिफाइन करते हैं एज अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक पे जो चेंज होगा वो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरह से हम आई इज इक्वल टू डेल्टा के लगाते हैं। डेल्टा का मतलब हमारे पास होगा चेंज, ठीक है। यानी नेट इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक एंड कैन बी रिप्रेजेंट एज द डेल्टा के। ओके, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। फिर इसके बाद टोटल कैपिटल स्टॉक, जिसको हमने के का नाम दिया है, ये डायरेक्टली रिलेशन करता है टोटल इनकम ऑफ टोटल इनकम के साथ, या टोटल हम आउटपुट की बात कर रहे हैं उसके साथ। यानी हमारा टोटल कैपिटल स्टॉक जिसे हम के कहते हैं, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप करता है टू द टोटल नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के साथ, जिसे हम वाई से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हुआ, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास है के बाय वाई, ठीक है। इसको हम इसके अलावा रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा के और डेल्टा वाई के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजिंग ले रहे हैं कि किस तरह से वो चेंज होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू सी डेल्टा वाई के साथ भी, ठीक है। ये आप इक्वेशंस को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो और ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री बनेगी। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि आई जो हमारा था इन्वेस्टमेंट, वो किसके बराबर था, डेल्टा के, और डेल्टा के किसके इज इक्वल टू है, सी डेल्टा वाई के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे, यानी हमारा आई डेल्टा के और सी डेल्टा वाई आइडेंटिटिकल है, ये आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमें पता है कि हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ठीक है, हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, तो हम सेविंग की जो इक्वेशन से ड्राइव किया हुआ था हमारा आंसर, हम वो एस के नीचे लिख देंगे। यानी हमारी जो एस की वैल्यू है या नेट सेविंग की वैल्यू, वो हम लिख देंगे, वो होगी एस वाई, जो आपने पीछे अपने इक्वेशन में देखी है, और आई की इक्वेशन हमारे पास है सी डेल्टा वाई। ये हमारे पास एस की वैल्यू और ये हमारे पास आई या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। तो फिर हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड विद वाई एंड देन सी, वी कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वो हमारा एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। जब हम y के साथ दोनों साइडों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो y y से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को नाम क्या दिया जाता है, रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये एक्चुअली मेन इक्वेशन हमारी यहाँ पे निकल आई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे मॉडल की। मॉडल में क्या कहते हैं कि जो सेविंग रेट कोरिलेट कर रहा होता है पॉजिटिवली विद इकोनॉमिक ग्रोथ के, यानी अगर सेविंग जो हमारी है सेविंग रेट है वो अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी। यानी जब सेविंग इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है हमने देखा है कि एस इज इक्वल टू आई है, जो सेविंग होगी वो सारी की सारी कहाँ पे लगेगी, वो इन्वेस्टमेंट में लगेगी, और इस तरह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला में देखते हैं तो वहां पे हमारा कैपिटल रेशियो का इनवर्स रिलेशनशिप है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, यानी सेविंग पॉजिटिवली है रिलेट कर रही है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, वाइल हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो नेगेटिव है। किस तरह से नेगेटिव है, यानी आउटपुट रेशियो शो क्या कराता था, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये शो कराता है कि कैपिटल नीडेड टू इंक्रीज द आउटपुट, कि हमें कैपिटल चाहिए इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब इकोनॉमी रिक्वायर द मोर कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट, मतलब हाई कैपिटल रेशियो है, तो इस वक्त हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनएफिशिएंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें सेविंग चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। और दूसरे लफ्जों में, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है, इन्वेस्टमेंट डजंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट।
स्टूडेंट हम कंक्लूड करेंगे अपने इस टॉपिक को और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने एक पेपर है वो अटेम्प्ट किया है, किस तरह से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और हॉर डोमो मॉडल किस चीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब कंक्लूड करने के लिए आपने बताना है कि हॉर डोमो मॉडल इज यूज टू डेवलप द इकोनॉमी टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द टर्म ऑफ द लेवल ऑफ सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। हॉर डोमो मॉडल किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे सेविंग और उसकी आउटपुट को लिया जाता है, ये दो डिटरमिनेंट्स हैं इसके हॉर डोमो मॉडल के। और हॉर डोमो मॉडल हमने पहले भी बताया था प्रिकर्सर है एक्सोजनस मॉडल का, और हॉर डोमो मॉडल इनिशियली क्रिएट किया गया था बिजनेस साइकिल को एनालिसिस करने के लिए, फिर बाद में इसको अडॉप्ट किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालिसिस के लिए। तो ये हमारा था हॉर डोमो मॉडल और उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कि आपने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आपको लेक्चर ऑनलाइन दे सकूं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।